हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे, ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में उचित नहीं है, यह संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं है। प्लीज बैठिए, नो बैठिए, बैठिए, नो 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 नो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महत्व होता है, और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए, कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था, उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी, और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का, वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब LOC LAC भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा।